अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी रेसिपी। आज हम निहारी बनाएंगे। निहारी बनाने के लिए मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास। 4 चम्मच मेरे पास फाइन आटा है, 2 चम्मच मेरे पास बेसन है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्च है पीसी हुई, 3 चम्मच मेरे पास अदरक थोम और सब्ज मिर्च का पेस्ट है, 1 चम्मच मेरे पास सौंफ है और जो थोड़ी सी मेरे पास सूंड है। इनको हम कूट के मल के कपड़े में डाल के तो सालन में डालेंगे। ये मेरे पास 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला, इसमें पीपली सब कुछ मिक्स, जो अतरी जायफल सब कुछ मिक्स है इसमें। आए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप मैंने घी डाला है, हम घी में बनाएंगे, ऑयल में नहीं। मैं बना रही निहारी, मैं घी में बनाती हूँ। घी गर्म हो जाए फिर हम इसमें अदरक थोम और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे। घी गर्म हो गया, अभी मैं इसमें अदरक थोम का पेस्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक थोम ब्राउन हो गया, अभी मैं इसमें चिकन गोश्त डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दूंगी। इसको मैंने 5-6 मिनट तक गोश्त को भूना है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया। अभी इसके ऊपर ढकना रख के गोश्त को गलने तक पकाएंगे। अभी मैं इसमें निहारी मसाला डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच निहारी मसाला, इसमें मैंने 2 चम्मच निहारी मसाला डाला है।
गोश्त भी गल चुका है। इसको मैंने हल्की आंच पे 10 आधा घंटा ना गलने के लिए गोश्त को रखा था। हल्की आंच करके आधा घंटे के लिए मैंने इसको पकने दिया। ये देखें गोश्त गल चुका है। ये देखें इसमें भी मैंने निहारी मसाला डाला है 2 चम्मच। ये सूंड और सौंफ थी, इसको मैंने ग्राइंडर करके एक कपड़े में छान लिया, तो ये मैं अभी इसमें डालूंगी। ये बेसन और आटा है फाइन, ये मैं प्याले में बॉल में डाल के इसमें पानी डाल के मिक्स करके इसको मैं निहारी वाले सालन में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी हम मिक्स करेंगे। इसको मैंने फेंट लिया है बेसन और आटे को। मैंने चूल्हा हल्का कर दिया बिल्कुल, अभी मैं पून के डालूंगी। गुठलियां वगैरह हो गया आटे की या बेसन की वो निकल जाएंगी। ये देखें अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। अभी मैं इसके ऊपर से तरी निकाल लूंगी। जब जैसे ही पक जाएगा हम इसके ऊपर तरी डालेंगे। तरी मैंने पहले निकालनी थी तो मैंने आटे वाला पानी बेसन वाला डाल दिया, तो अभी मैं निकाल लेती हूँ ऊपर ऊपर से। ये जब पक जाएगा इसको सही उबाला आ जाएगा फिर हम इसमें तरी डालेंगे। ये मैंने तरी निकाल ली है। अभी मैं इसमें ये सौंफ और सूंड का पाउडर डालूंगी। इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया, पोटली बना के मैंने नहीं डाली। मैंने इसको ग्राइंडर करके कपड़े में मलमल के कपड़े में छान लिए, तो ये मैंने डाल दिया। इसमें सूंड और खुश्क अदरक होती है, जो सूंड होती है उसको खुश्क अदरक को सूंड कहते हैं। तो ये खुश्क अदरक पीस के और मैंने सौंफ पीस के डाल दिए। तो अभी हम इसको पकने देंगे। ये मैंने सब्ज मिर्चें और अदरक काटी है, ये हम अदरक डालेंगे इसमें, सब्ज मिर्चें डालेंगे, गरम मसाला और सूखा धनिया पीसा हुआ ये डाल देंगे। अभी मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ। मैंने ऑफ कर दिए। अभी मैं इसमें तरी डालूंगी जो मैंने निकाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी निहारी तैयार है। अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें सब्ज मिर्चें डालूंगी और अदरक कटी हुई डालूंगी।
ये हमारी निहारी तैयार है। ये हमारी निहारी का सालन तैयार है। निहारी तैयार है, आप भी बनाए खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.